आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने 4 आरोपियों को 25 पेटी अवैध शराब की और घटना में इस्तेमाल एक गाड़ी और एक बाइक के साथ गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी। थाना कोतवाली नगर पुलिस एवं आबकारी टीम के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग चंडीगढ़ से शराब तस्करी कर लाई जा रही है। इस दौरान थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा सूचना पर जटनंगला रोड पर पारस ईंट भट्टे के पास 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 25 पेटी अवैध शराब की और घटना में इस्तेमाल गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सचिन, दीपक, नरेंद्र, कल्लू के नाम से हुई है, जिसके बाद पुलिस ने चारों शराबी तस्करों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। माननीय चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुक्रम में जनपद मुजफ्फरनगर की आबकारी और पुलिस हमारी संयुक्त टीम में लगातार लगी है और लगातार उस पर कार्रवाई हो रही थी। तो हमको एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सोनीपत हरियाणा का एरिया है, वहाँ से शराब को पलटी करके या अन्य को फोर्ज करके ये लोग लेके आ रहे हैं। तो उसी सूचना पे हमने सीओ साहब और अपने आनंद जी एसओ हैं, उनको कहा कि रात के टाइम में हमें ये लोग आ रहे हैं, तो ये गाड़ी नंबर मिला था, तो इसको मुजफ्फरनगर में उस जगह पे जहाँ ये लोग इसको स्टोर करना चाह रहे थे वहाँ से ये पकड़ा गया। ये मैं आपको इस के विषय में एक चीज़ और वाजे कर दूँ कि इलेक्शन के दौरान किसी भी के द्वारा यदि इस तरह की कार्रवाइयाँ अगर कहीं से की जा रही हैं या किसी के द्वारा किसी ग्रुप को इस तरह के ऑर्डर दिए जा रहे हैं, तो वो हमारी जद में है कि ये सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। क्योंकि एसओजी और आबकारी लगातार जिन लोगों पे शंका या शुभा होता है उसमें आप लोगों में से भी कुछ लोग हैं जो हमें ये सूचना देते हैं, वो सूचना के आधार पर ये सूचना कल्टिवेट की जाती है और लोग टीमें अपने डेस्टिनेशन पहुँचती है और कार्रवाई करते हैं। ये उसी का सबूत है।